बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं आपको बताऊंगी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आज बहुत आसान उपाय मैं बताऊंगी। सच में अगर आपको बेवजह कोई परेशान कर रहे हैं, वैसे तो इस तरह के उपाय या टोटका फालतू बेवजह नहीं करना चाहिए। अगर वजह है, अगर बेवजह आपको कोई परेशान करे, तो आपको करना क्या है, किसी भी अमावस्या के दिन और आपको 38 दाना काली दाल जो है, उड़द दाल, छिलका वाला, छिलका उतरा हुआ नहीं चाहिए, छिलका जिसमें छिलका हो, ऐसे काली दाल आपको ले लेना चाहिए, उड़द की दाल। और चावल की, जो कच्चे चावल है उसका 40 दाना दाल आप दोनों ले लीजिए। और थोड़े दूर जाके जंगल में जहाँ कोई रहते नहीं है या फिर आपको ये काम करते हुए नहीं देख रहे हैं, ऐसे जगह में जाइए और एक छोटा सा मिट्टी आप खुदवा लीजिए। और उसके बाद आपको करना है उस मिट्टी गड्ढे को, उसमें दाल और 38 दाना काला दाल और 40 दाना चावल, ये दोनों आपके हाथ में ले लीजिएगा। और जो आपने मिट्टी खोदा है, गड्ढा खोदा है, उसमें इस दाल और चावल को उस शत्रु को याद करके दोनों डाल दीजिएगा और ऊपर से एक नींबू निचोड़ दीजिएगा उस शत्रु को याद करते हुए कि बेवजह, ताकि आपको परेशान ना करे। इसको सोचते हुए आप नींबू निचोड़ दीजिएगा। उसके बाद, निचोड़ने के बाद शत्रु का नाम याद कर, आंखें बंद करके उनका नाम सोचे, याद कीजिए और नींबू को निचोड़ते जाइए। और नींबू भी वो चावल और दाल के साथ ही मिट्टी के नीचे जहाँ खोदा है मिट्टी, वहीं पे आप डाल के आइए। उसके बाद ऊपर से मिट्टी जो है आप भर दीजिए। आप देखिएगा बहुत जल्दी ही आपका पीछा छोड़ देगा आपके शत्रु। बेवजह, बेकारण, बिना कारण आपको परेशान अगर कोई कर रहे, तो ये उपाय बहुत असरदार उपाय है। ये आप कोई भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पे आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। कई बार होता है बेवजह आपको परेशान करने वाले बहुत लोग होते हैं, बेवजह, बेकारण, बिना कारण आपको परेशान करते हैं, तभी ये उपाय आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या उपाय, एक उपाय और बताऊंगी। अगर आपका, आपके ऊपर नजर लग चुका है या फिर आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर नजर लग चुका है, कोई नजर दे दिया है, लग गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, नमक, राई और लहसुन, प्याज, ये सब मिला के, इसके सूखे छिलके होते हैं, इन सबके एकदम सूखा सूखा आप जो छिलका होता है वो छिलका आप ले लीजिएगा और सूखी लाल मिर्च डंठल वाला ले लीजिएगा। ये सारे एक साथ मिलाकर जो जिनके ऊपर नजर लगा हुआ है उस रोगी के ऊपर से 7 घुमा लीजिएगा। और कोई मिट्टी का सुपरा लीजिएगा जिसमें आप पहले से ही जो नारियल की जटा होता है वो आप रख दीजिएगा थोड़ा सा। उस मिट्टी के सुपरे के अंदर जो आपने नारियल के छिलका रखा उसमें आग लगा दीजिएगा और जैसे जैसे नारियल की छिलका जलते रहे, उसके ऊपर जो आपने उतारा हुआ राई, आप जो नमक, आप लहसुन का और प्याज का जो छिलका है ना, ये सारा कुछ जो है उसमें मिट्टी के सुपरे के अंदर डाल दीजिएगा जहाँ नारियल की जटा जल रही है, उसे जलते हुए के ऊपर ये सारा कुछ डाल दीजिएगा। इससे देखिएगा जिनका नजर लगा हुआ है, नजर दोष एकदम समाप्त हो जाएगा। एक उपाय आपको और बताऊंगी, किसी के ऊपर नजर अगर लग गया है, एक उपाय, ये बहुत खास उपाय है, इमली के
तीन डाली लेकर आइएगा, छोटे छोटे पतला पतला जो डालियां होता है वो डाली लेकर आइएगा, उसको आग में जला लीजिएगा, और जिनके ऊपर नजर लगा हुआ है उनके ऊपर से तीनों डाली जलाकर 7 बार घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद उस डालियों को एक पानी के जगह पे, किसी पानी जहाँ पे कोई मिट्टी के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में पानी में डाल दीजिएगा उस इमली के 3 डालियों को, और जैसे वो डालियाँ पानी के अंदर जाए उनमें से थोड़ा सा पानी जो है जिनके ऊपर नजर लगा हुआ है उनके ऊपर छींटा दे दीजिएगा, और 1 चम्मच जो है वो पिला दीजिएगा। देखिएगा जिनके ऊपर नजर लगा हुआ है वो नजर दोष जो है वो समाप्त तो हो जाएगी एकदम से। चलिए आज तो इतना ही, ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ उपाय टूट का लेकर आऊंगी आप सभी के सामने। जब तक के लिए अष्ट तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।